हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रूट के बारे में जानेंगे कि फ्रूट क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जानें कि फ्रूट क्या होता है। तो फ्रूट्स जो है द पार्ट ऑफ एनी प्लांट विच contain seeds and that we eat। तो फ्रूट क्या होता है? तो किसी भी प्लांट का यह वह भाग होता है जिसमें बीज पाए जाते हैं और जिसको हम लोग जो है खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग जो है फ्रूट कहते हैं। तो फ्रूट जो है यह मेनली दो टाइप्स का होता है। तो फ्रूट्स जो है ये दो पार्ट दो तरह के होते हैं। फ्रूट्स दो तरह के हो गए। एक हो गया ट्रू फ्रूट और दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट। तो फ्रूट जो है सो कितने प्रकार के होंगे? दो तरह के। एक हो गया ट्रू फ्रूट और दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट क्या होता है? The fruit develops exclusively from the ovary is called true fruit। यानी true fruit उसको बोलेंगे जिसका formation जो है flower के ovary के द्वारा होता है। यानी कि इसमें flower का कोई दूसरा part इसमें participate नहीं होता है, सिर्फ जो है सो ovary के द्वारा जिस fruit का formation होता है उसको हम लोग true fruit कहते हैं। True fruit को जो है eukaryote के नाम से भी जाना जाता है। True fruit is also known as eukaryote। इसको यूकार्प भी कहा जाता है। यह जो है फ्रूट जो होता है, ट्रू फ्रूट जो होता है वह सिंपल होता है और इसके फॉर्मेशन में सिर्फ ओवरी ही पार्टिसिपेट होता है। ट्रू फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल जो है सीड्स बन जाता है और ओवरी जो है सो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फ्रूट को फॉर्म कर लेता है। तो ये सीड का एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है, सीड को जो है सो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद ट्रू फ्रूट कंटेन सीड, जो ट्रू फ्रूट होते हैं उसमें आपको बीज पाए जाते हैं और जो ओवरी होता है जब वो मैच्योर कर जाता है तो वह फ्रूट बन जाता है। इसका एग्जांपल है मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटरमेलन और भी बहुत सारे होते हैं। तो फॉल्स फ्रूट जो होता है द फ्रूट विच is formed from the ovary along with some other parts of flower like receptacle, perianth, thalamus or canyx। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फॉल्स फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है यह ओवरी सिर्फ ओवरी के द्वारा नहीं होता है, ओवरी के साथ साथ यह फ्लावर के जो दूसरे पार्ट होते हैं जैसे कि थैलेमस है, कैलिक्स है, रेस्पेक्टिकल है, तो इन सब के साथ मिलकर जिस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उस फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यानी कि प्लांट के अंदर फ्रूट को फॉर्म करने का, फ्रूट बनाने का जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह ओवरी की होती है। तो ओवरी यदि सिर्फ अकेले ओवरी फ्रूट को बना रहा है तो वह ट्रू फ्रूट कहलाएगा, लेकिन ओवरी जो है सो अपने साथ फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट के साथ मिलकर अगर फ्रूट को बना रहा है तो वह जो है सो ट्रू फ्रूट नहीं कहलाएगा, वह फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। फॉल्स फ्रूट को हम लोग जो है सुडोकार्प के नाम से भी जानते हैं, है ना। ट्रू फ्रूट को यूकार्प के नाम से जानते हैं और फॉल्स फ्रूट को सुडो, सुडो का मतलब भी होता है फॉल्स। उसके बाद एराइव फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट एक्सेप्ट ओवरी। उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ओवरी के अलावा फ्लावर के दूसरे पार्ट भी इस फ्रूट को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फॉल्स फ्रूट जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का फॉर्म होता है,
इसमें यह इसका जो नेचर होता है वह पार्थेनोकार्पिक नेचर का होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के ये फॉर्मेशन होता है। और इसमें सीड्स जो है सो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो एप्पल है, पियर है, बनाना है, ये सब जो है सो फर्स्ट फ्रूट के एग्जाम्पल है।